बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी को ईरान ने बेबुनियाद और भड़काऊ करार देते हुए उसे आज खारिज कर दिया है, जिसके बाद अमेरिका अब ईरान पर कई प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में ईरान ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके ऊपर अमेरिका ने कड़ी आपत्ति जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर कहा था कि मिसाइल के परीक्षण के लिए ईरान को औपचारिक तौर पर नोटिस पर रखा गया है, जिसके बाद ईरान के रक्षा मंत्री हुसैन दहकान ने बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की पुष्टि करते हुए इसको ईरान की रक्षा शक्ति को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के उल्लंघन से इनकार किया, जिसके बाद व्हाइट हाउस ने साफ संकेत दिए हैं कि ईरान की यह कार्रवाई उकसाने वाली है। ऐसे में अमेरिका ईरानी संस्थानों पर प्रतिबंध लगा सकता है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 2231 में कहा गया है कि ईरान परमाणु हथियार को ढोने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल से जुड़ी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा। एक तरफ ईरान किसी भी प्रस्ताव उल्लंघन से साफ इनकार कर रहा है, तो वहीं ट्रंप परमाणु समझौते की आलोचना करते हुए इसे कमजोर और बेअसर बताते रहे हैं। अब देखना होगा कि अमेरिका ईरान पर क्या कार्रवाई करता है। देखते रहिए डीबी लाइव।